ना चलो आराम मिल गया, ठीक है चलो। रोले ठीक है सब, 62 दिन से आप लोग शांति, हाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो किसान इस तरह से किसान उग्र हो गए क्या? नहीं किसान कहाँ उग्र होया, पूरा ये प्री प्लान थी, इसमें कौन कौन लोग थे ये पूरा जांच का सब्जेक्ट है। जो रूट प्रशासन ने दिया उसी रूट पे अभी भी बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, कोई सहयोग प्रशासन नहीं दिया, कुछ दूसरे तरह के लोग भी इसमें थे, ठीक है जी। हमने उनको भी चिन्हित करा है और हम उन पर कार्रवाई करेंगे, वो प्रशासन को बताएंगे। और इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन ने भी रात के 12 बजे तक भी जो रूट उन्होंने हमको दिया, यहाँ से आनंद विहार, गाजीपुर और आनंद विहार, आप अभी भी देखोगे कि गाजीपुर पे जहाँ से वो निकलना था वो अभी भी बैरिकेटिंग वहाँ पर उन्होंने लगा रखी। अगर रूट देकर भी पुलिस बैरिकेटिंग लगाएगी तो आदमी निकलेगा कहाँ से? परेड के बाद आप लोगों को दिल्ली में आने की अनुमति थी, 10 बजे किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ से निकल गए। कहाँ से? गाजीपुर बॉर्डर से। वहाँ थोड़ा जाना था हमको दिल्ली परेड में, हमें तो यहाँ से जाना था ऐसे इस साइड से। तो फिर 10 बजे कैसे निकल गए सर? कहाँ से? यहाँ से 10 बजे क्यों निकल गए? नहीं नहीं 10 बजे निकला, 10:30 बजे जो लाल किले पर हुआ उस पर आपकी? लाल किले पर किसी ने कराया उसकी भी जांच करेंगे, नहीं होना चाहिए। कोई कैजुअल्टी की भी खबर है? एक कैजुअल्टी हुई है वहाँ पे, वो शहीद हुआ है किसान वहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, आप जब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे थे तो सुनने में आया और देखने में भी आया कि आपने भी काफी कोशिश की रोकने की। वो पूर्ण रूप से हम भी कोशिश कर रहे हैं उसको राइट साइड को भेजने की, लेकिन पुलिस के लोग लगे रहे और वहाँ पे राइट साइड को भी रास्ता दे रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं भाई ये रूट आपका निर्धारित रूट है, सबके पास में उसकी फुटेज है, जो पुलिस प्रशासन ने रूट दिया उसी को पुलिस के लोग रोक के खड़े हो गए। हम पुलिस से वो करें, हम अपने वाले लोग उसे करें, हम वहाँ से बैरिकेटिंग हटाए, बैरिकेटिंग ही हटे हमसे, जो निर्धारित रूट था वहाँ से बैरिकेटिंग हटाए, उसी की फुटेज है ऊपर से, मतलब यहाँ इतने मजबूत बैरिकेटिंग जो असली रूट था, और ऊपर जहाँ किसान को जाना ही नहीं था वहाँ पर कच्चा बैरिकेटिंग, और किसान को दिल्ली जाने दिया इन्होंने। जो लाल किले पर हुआ जहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराता है वहाँ दूसरा ध्वज? नहीं नहीं वहाँ दूसरा नहीं फहरा, उसके बराबर में किसी ने दूसरा ध्वज लगाया है, उस पर नहीं वो मकाम वही है। अब आगे क्या हमारी रणनीति क्या, आगे यही रहेंगे हम, कहाँ जल्द लग रही है? 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च? नहीं नहीं वो नहीं हमारा, वो नहीं है पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है, ये तो इतना बड़ा होगा यही होगा। क्या राकेश जी क्या सब जो ट्रैक्टर उसमें गए थे 26 जनवरी की रैली में वो वापस आ गए? नहीं जो वापसी नहीं है, जो ट्रैक्टरों का नुकसान पुलिस प्रशासन ने करा उनके ट्रैक्टर देने पड़ेंगे। क्या ट्रैक्टर यही रहेंगे वापस आकर या वापस कहाँ जाएंगे? तो तोड़ फोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, वे तोड़ दी, पुलिस को कह रहेगा आप कुछ नहीं करा, वो सब तोड़ फोड़ दी यही और उसी रोड पर तोड़ दी। एक गाड़ी यहाँ आई है वापस आपने, हाँ वो खड़ी हुई है, तो वो कैसे टूटी है? पुलिस ने थोड़ी सारी गाड़ियाँ आई, लगभग कितनी गाड़ियाँ टूटी हुई? अभी इसकी जानकारी आ जाएगी, कितने ट्रैक्टरों को नुकसान हुआ उसकी जानकारी आ जाएगी। और हम पूर्ण रूप से जो हिंसक घटना हुई वो पुलिस की तरफ से हुई व किसी की भी तरफ से हुई उसकी हम निंदा करते हैं, हिंसा के हम सपोर्ट नहीं है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण हमेशा रहा है और आज भी शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, और आज पुलिस प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग भी इसमें दिया है कि ये नहीं कि लोग गैर उन्होंने कुछ ज़्यादा वो करा है, उनका भी सहयोग रहा, किसानों का भी सहयोग रहा, हमारे जितने लीडर हैं उनका भी सहयोग रहा, लेकिन पुलिस ने रूट गलत दिया है। जो कैजुअल्टी हुई है उस किसान का शव कहाँ यहाँ? उसका अभी वहाँ पे है और अभी रखा हुआ है, वहाँ पे बातचीत उनकी चल रही है, वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं अभी, और सभी लोगों से अपील है कि हमारा जो धरना पड़ रहा था दिल्ली में मार्च का था, और जो लोग जहाँ पे भटक कर चले गए किसी उससे, क्योंकि किसान है उसको नहीं पता कि 15-15 किलोमीटर लंबी यहाँ डाइवर्जन नहीं है कहीं पे भी, वो लोग भटक कर पूर्ण रूप से गए, उनको कोई जानकारी आगे की रूट की नहीं थी। पुलिस प्रशासन ने इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं दिया रूट वाले मामले में, ये उनकी पूर्ण रूप से गलती रही। और जो लोग आए हैं उनको पुलिस रास्ता बतावे कि वे कहाँ के, उनको रास्ता पुलिस दे, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हमने बहुत लोग वे फिर वजीराबाद से वहाँ से निकालने हैं वापसी के लिए, तो उनको रास्ता पुलिस बताए, क्योंकि इतने बड़े पुल और वे बने हुए हैं तो किसान को कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा रूट कहाँ जा रहा है, वो ट्रैक्टर लेकर जा रहा है उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसको घर जाए। अगर दिल्ली के अंदर कोई ट्रैक्टर है उसकी जानकारी पुलिस हमको देगी, उसका नुकसान करवाया है उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है।